सो दोस्तों क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल कीजिए। अब द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर के हल करने वाली जो विधि होती है वो खतरनाक होती है, तो स्टेप वाइज सिखाऊंगा, अच्छे से ध्यान देना। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आगे अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई गिनती लिखी है तो उसको यहाँ से हटा दो। तो हटाने का काम यही है कि दो से भाग कर दो, दो से दोनों पक्षों में भाग, बस यही तरीका है आगे से दो हटाने का। यहाँ से हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाँच बटे दो एक्स मिल जाएगा, और माइनस इसका आधा कितना होता है, 150 का आधा 75 होता है ना, तो यहाँ पे 75 मिल जाएगा बराबर ज़ीरो। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना भाई कि मैंने दो बटे में लिख करके काट करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट किया है, तो आप चाहे तो लिख करके काट करके भी दिखा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अब क्या है, एक्स एक्स वाला यहीं रहने दो, इस 75 को उधर भेज दो, इधर हमको ज़रूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 5/2 है एक्स है बराबर 75 चला गया, उधर प्लस में हो गया। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में एक चीज़ जोड़नी है, ये जो एक्स के साथ गिनती दिखाई दे रही है एक्स का गुणांक, इसका आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों में हमें क्या करना है कि एक्स का गुणांक जो है, गुणांक वो क्या है, 5/2 के आधे का वर्ग, ये देखो 5/2 लिख लिया, 1/2 से गुणा कर दिया तो आधा हो गया, और वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर ध्यान देना, बस यही महत्वपूर्ण बात होती है, जो भी 5/2 दिखाई दे रहा है उसका आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हमको जोड़ना है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन अगर और इसी में थोड़ा सॉल्व कर लेते, ये 5 × 5 = 2 × 2 = 4 हो रहा है, 5/4 का वर्ग जोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर कर लेंगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 5/2 एक्स है प्लस हम क्या कर देंगे, 5/2 × 1/2 और घात 2 कर लेंगे, और यहाँ पे 75 है उसमें भी प्लस कर लेंगे अपना, ये 5/2 × 1/2 इसका वर्ग यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। अब थोड़ा सा सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5.2 एक्स है प्लस यहाँ पे 5 × 5/2 = 4 है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे 75 है प्लस यहाँ पे भी 5/4 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हमने इतनी मेहनत की इसमें इसलिए ताकि ये x प्लस 5.4 का होल स्क्वायर बन सके, ठीक है, इसीलिए मेहनत की गई थी, तो ये वही है। तो हम यहाँ पे इसको पूरे को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x प्लस 5.4 का होल स्क्वायर ये है, ठीक है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि वो है कि नहीं है, आओ चलो यकीन दिलवा देते हैं, एक्स प्लस 5.4 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab माने एक्स, बी माने 5.4 प्लस बी स्क्वायर यानी 5.4 होल स्क्वायर। यहाँ पे बस आपको ये वाला तो हिस्सा दिखाई दे रहा है और ये वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, बस यही मैच नहीं कर रहा है ना, अब मैच करा देते हैं, ये देखो मैच करने लगा, 5.2 एक्स भी है, तो यही है वो। ये आपको यकीन होना चाहिए, आपको भरोसा रखना चाहिए, ठीक है, भरोसा रखेंगे तब ये चीज़ें हो पाएंगी, और भरोसा नहीं रखेंगे तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगे। यहाँ पे 75 प्लस ये 25/4 = 16 हो गया, और इसमें हमको एलसीएम लेके जोड़ना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके 1/2 एलसीएम 16 से 75 में गुणा करना पड़ेगा ना, तो 75 × 16 कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 6 × 5 = 30 का 0 हंसे लगे 3, 6 × 7 = 42 5 × 5, तो 6 × 7 = 42 5 × 5 और उसमें 3 भी जोड़ना है, तो 5 × 5 = 7 × 3 = 10 का 0 हंसे लगे 1 और इसमें जुड़ गया ये हो जाएगा 5, 0 लग गया हंसे लगे 5, 7 × 7 = 7 × 5 = 12, तो ये 1200 आ रहा है, इसका इधर गुणा करने पे 1200 आ रहा है और एक का गुणा करने पर यहाँ पे 25 आ रहा है। ओके, तो ये जो है आपका जो 1225 बन रहा है
1225 किसका वर्ग है, बहुत ही आसानी से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो भाई, मैंने जो अभी वर्ग करने का तरीका मतलब गुणा करने का तरीका अपनाया है, वो भी आप सीख सकते हो, बहुत ही आसान सा तरीका होता है। बाकी आप पर्सनल तरीका जो भी है उससे भी गुणा कर सकते हो, उससे भी आंसर मिलता है सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो बताने चाह रहे हैं वो है 25 बारह 25 किसका वर्ग है। देखो यार, 5 का वर्ग होता है 25, 15 का वर्ग जो होता है तो वो देखो 25 लिखा जाता है, एक में गुणा किया जाता है 2 से, 2 एक 2, ठीक। ये ट्रिक होती है याद करने की, अगर 25 का वर्ग याद करना है तो 5 का वर्ग 25 लिखो और 2 में गुणा करोगे 3 से, 2 3 6। और 35 का वर्ग करना है तो यह भी ये 25 लिखोगे और 3 में गुणा करोगे 4 से, 4 3 12। 12 25 किसका वर्ग है, 35 का है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 35 बटे ये जो 4 का वर्ग है 16, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे x प्लस 5/4 होल स्क्वायर जैसा ऐसे रहने देंगे, इसको इधर भेज देते हैं ताकि वो आके माइनस हो जाए। तो x प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 35/4 होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। यानी एक्स प्लस 5/4 प्लस 35/4 हो जाएगा, थोड़ा सा गंदी राइटिंग में हो गया। और ये चीज़ देखेंगे एक्स प्लस 5/4 ये प्लस में ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव ये बीच वाले चिन्ह में होता है, माइनस 35/4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 4 12 तो 35 5 40, यानी एक्स प्लस हम डायरेक्ट 40/4 लिख रहे हैं। और यहाँ पे एक्स यहाँ पे 4 4 है तो 35 और 5 ये जो है घट जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो माइनस ये वाला बड़ा तो इसलिए माइनस 30/4 प्राप्त हो जाएगा। 4 2 40 यहाँ पे 10 मिल रहा है और 2 से काटने पर यहाँ पे 15 मिल जा रहा है ऊपर, तो यक्स प्लस 10 यहाँ पे मिल गया है और यक्स माइनस 15/2 यहाँ पे मिल गया है। और लिखेंगे यदि यक्स प्लस 10 बराबर 0 होगा तो यक्स बराबर आपको माइनस 15 मिलेगा, और यदि यहाँ पे 10 ही मिलेगा, मुझसे गलती हो गई। और यहाँ पे यक्स माइनस 15/2 बराबर 0 होगा तो यहाँ पे यक्स बराबर 15/2 मिलेगा। तो ये दो आपको आंसर के रूप में मिल जाते हैं देखने के लिए।